दोस्तों हमारे जो आज का टॉपिक है वो है कि मुर्गी फार्म या जो ब्रॉयलर फार्म बनाते समय आपको उनके शेड का मैनेजमेंट किस प्रकार करना है या शेड बनाते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। दोस्तों फार्म बनाते समय ऐसे स्थान का चुनाव करें जो स्थान सूखा रहता हो या जहाँ पर पानी का भराव नहीं होता हो। तो फार्म बनाने के लिए आपको फार्म का जो लेवल होता है वो जमीन से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा रखना चाहिए। दूसरी बात, फार्म बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फार्म आपका आबादी से कम 0.5 से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो और आपका फार्म इतना मजबूत होना चाहिए कि वो सभी प्रकार के मौसम में हमारे जो बर्ड है उनके लिए आरामदायक बना रहे। फार्म बनाते समय जो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि फार्म हमेशा फार्म की जो लंबाई है वो पूर्व पश्चिम दिशा में रखें। साइड वाल होती है वो 6.5 से 7 फीट होनी चाहिए और बीच की जो ऊंचाई होती है शेड की वो 9.5 से 10 फीट तक होनी चाहिए। साइड वाल के अंदर आपको 1 से 1.5 फीट की दीवार बनानी होती है और बाकी फिर आप लोहे की जाली लगानी पड़ती है। आपकी जो शेड की जो छत होती है वो पर्याप्त मात्रा में बाहर निकली हुई होनी चाहिए जिससे सीधी बारिश आपके फार्म के अंदर ना आ सके। इसे तकरीबन आप कम से कम 2 फीट शेड से बाहर निकाल के रखें। फार्म की जो आप छत बना रहे हैं वो इस प्रकार के मटेरियल की होनी चाहिए जो फार्म गर्मियों में ज़्यादा गर्म ना हो और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा ना हो। हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार टीन की चद्दर की बजाय यदि आप एस्बेस्टस की शीट लगाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट या लाभकारी होती है क्योंकि ठंड के मौसम में टीन की जो छत होती है वो ओस के कारण टपकने लगती है और गर्मियों में बहुत अधिक गर्म हो जाती है। फार्म बनाते समय आपको कम से कम इस प्रकार के स्थान का चुनाव करें जहाँ पर पेड़ पौधे हों। यदि नहीं है तो आप फार्म बनाने के पश्चात वहाँ पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं जिससे क्या रहता है कि आपके फार्म का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बीमारियां भी कम आती हैं। फार्म बनाते समय आपको फार्म के अंदर जो लाइट की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है क्योंकि जो रोशनी की मात्रा होती है वो बर्ड की उम्र के हिसाब से अलग अलग हमें देनी पड़ती है जिससे उनकी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी आती है। तो लाइट लगाने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा पर पर्याप्त दूरी पर CFL या कम से कम बल्ब लगाने पड़ते हैं। इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको हर 1000 स्क्वायर फीट पर 12 वाट की कम से कम 6 CFL या 40 वाट के 6 बल्ब लगाने ही पड़ते हैं। फार्म बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि फार्म की जो चौड़ाई है वो 30 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि इससे अधिक आप चौड़ाई रखते हैं तो वो फार्म के अंदर आपके हवा के आवागमन को रोक देती है। इसलिए पक्षियों के लिए जो हवा का आवागमन या शुद्ध हवा उतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी उनके लिए फीड और दाना होता है। कई हमारे जो किसान भाई हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और फार्म को अधिक चौड़ा बना देते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त लंबाई उपलब्ध नहीं होती है। तो आप जब भी फार्म बनाएं वो कम से कम 30 फीट चौड़ा बनाएं, इससे अधिक चौड़ा ना बनाएं। दोस्तों फार्म के अंदर तापमान को और हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए फार्म में पर्दों की व्यवस्था की जाती है। यदि कोई किसान भाई नया फार्म बनाता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो या तो ऑटोमेटिक विंचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें या फिर मैनुअल पर्दों की व्यवस्था फार्म में जरूर करें जिससे क्या है कि आपके फार्म के अंदर बारिश का पानी सीधा अंदर नहीं आता है और फार्म के अंदर सर्दियों के दिनों में अब पर्दे ऊपर चढ़ाकर भी फार्म के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएं। फार्म की लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। आमतौर पर एक फार्म होता है वो 10,000 बर्ड से अधिक का नहीं होता है। इसलिए यदि आप फार्म की 30 फीट की चौड़ाई रखते हैं तो आप उसकी लंबाई 335 फीट तक हो पाएगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यदि आपको फार्म के अंदर एक पक्षी को कम से कम 1.2 स्क्वायर फीट एरिया आपको गर्मियों में और 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड एरिया आपको सर्दियों में एक बर्ड को देना पड़ता है। तो इसलिए यदि आप 1000 बर्ड का फार्म बना रहे हैं तो कम से कम आपको 1200 स्क्वायर फीट एरिया का फार्म आपको बनाना पड़ता है।
चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यदि आप अपने फार्म के अंदर पानी की व्यवस्था है वो इस प्रकार करें कि आपकी जो पानी की टंकी हो वो या तो फार्म के अंदर रहे या किसी छायादार स्थान पे रखें उसको। फार्म के अंदर जो पानी की व्यवस्था होती है वो या तो आप ऑटोमेटिक सिस्टम को अपनाकर कर सकते हैं, ये शुरुआत के अंदर आपको थोड़ी अधिक कीमत की होती है, लेकिन ये आपको आने वाले कई बहुत सारी बीमारियों से बचाती है और इसके अंदर जो मानव श्रम है वो भी कम हो जाता है। यदि आप कम लागत लगाना चाहते हैं तो आप बैल ड्रिंकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फार्म बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि फार्म का जो फर्श होता है वो हमेशा पक्का बनाए। इसे आप कंक्रीट से बना सकते हैं और आप कम कीमत में बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ईंट को बिछाकर उसके ऊपर मसाला डाल के भी फार्म का फर्श पक्का बना सकते हैं, क्योंकि कच्चा फर्श होने पर फार्म के अंदर बीमारियां आने का खतरा ज्यादा रहता है, सही से सफाई नहीं हो पाती है और कच्चे फर्श के अंदर चूहे और छछूंदर होते हैं वो बिल बना लेते हैं, जिससे नेवले और सांप के आने का भी आपके फार्म में खतरा बना रहता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों फार्म के अंदर आसपास में कहीं पे एक छोटा रूम बनाए जिसके अंदर आप फीड दवाइयां आदि रख सकें, या फार्म के अंदर ही एक कोना आप इस प्रकार का बना के रखें। फार्म के अंदर हवा के बहाव को कंट्रोल करने के लिए आप एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन लगाने से आपको सर्दियों के दिनों में यदि आप फार्म को पूरा क्लोज भी कर देते हैं तब भी आप एग्जॉस्ट चला के फ्रेश एयर को अपने फार्म में बनाए रख सकते हैं। दोस्तों आपके पास यदि जमीन कम है और आप लंबा शेड नहीं बना सकते तो आप दो शेड भी बना सकते हैं, लेकिन दो शेड बनाते समय आप इस चीज का ध्यान रखें कि कम से कम दोनों शेड के बीच की दूरी 60 फीट से आसपास हो, 30 फीट यानी आपके फार्म की चौड़ाई की दुगनी। कई किसान भाई इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं और वो दो शेड पास पास में बना लेते हैं, जिससे उनको कई बार नुकसान का पता ही नहीं चलता है कि उनके यहाँ पर बीमारी आने का या उनके उत्पादन कम होने का क्या कारण है। दोस्तों फार्म के अंदर जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर आपको चूने की पुताई बार बार सही समय पर करनी पड़ती है। ये चूना क्या करता है, आपके फार्म के अंदर बीमारियों के प्रकोप को आने से रोकता है। दोस्तों फार्म के अंदर जो प्राकृतिक वेंटिलेशन है वो बना रहना चाहिए, इसके लिए आपको कई बार फार्म के अंदर पर्दों की व्यवस्था इस प्रकार रखनी पड़ती है कि आप बहाव हवा के बहाव को अपने फार्म में बनाए रखें और सीधी हवा भी आपके बर्ड को ना लगे। दोस्तों आप अपने फार्म में पक्षियों को हीट स्ट्रेस से या गर्मी में बचाने के लिए फॉगिंग सिस्टम भी लगवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अपने फार्म की लोकेशन आपको इस प्रकार होनी चाहिए कि वो रोड से कनेक्टेड हो, क्योंकि गड्ढे वाली रोड और ऊबड़ खाबड़ वाली जो रोड होती है उस पे बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे चूजे लाते समय या तैयार माल ले जाते समय काफी परेशानी होती है और मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि आपको फार्म बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें, और जो भी नए किसान भाई ये फार्म बनाना चाहते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके बीच में इसको शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने सोशल मीडिया के ऊपर। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक आपके लिए शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।